أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما وحده من كيفه ولا حقيقة أصاب من مس له ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سواه معلول بتشعيره المشاعر عرفا لا مشعر له وبمزادة بين الأمور عرفا لا ضد له وبمقارنة بين الأشياء عرفان لا قرين له زاد النور بالظلمة والوجوه بالبهمة جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران کی اس آیت کی تلاوت مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ توحید الہی پر پہلا شاہد خود خدا ہے اور پھر گواہی دیتے ہیں اس کے ایک ہونے کی ملائکہ اور پھر گواہی دیں گے صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو غالب حکیم ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا کچھ اور ہے لا الہ الا اللہ پر گواہ بننا کچھ اور ہے کائنات کا ذرہ ذرہ لا الہ گویا ہے ہر ایک مخلوق لا الہ کہہ رہی ہے مگر
जहां सरासर वजूद शहादत दे, जहां इल्म अमल जात नफ्स ख्वाहिश हर शय गवाही दे, शऊर अकल फिक्र तकील जहां हर सिफत गवाही दे, वो मंजिल मंजिल इल्म है कि साहिबान इल्म गवाही देते हैं जो आदल पर कायम है कि खुदा एक है। यानी इसका मफहूम यह हुआ कि जाहिलों की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अगर साहिबान इल्म गवाही दे और वो भी जो आदल पर कायम है तो वो गवाही कबूल है और उस बुलंदी पर है वो गवाही जहां रुतबा बादस रुतबा यूं आए, अल्लाह मलाइका साहिबान इल्म, और वो साहिबान इल्म जो जुल्म न करें, जहां जुल्म आया वहां ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही सही नहीं है। जालिम ला इलाहा इल्लल्लाह पर गवाह नहीं रह सकता। गुफ्तगू को फिर सुनिए, न जाहिल गवाही दे सकता है न जालिम गवाही दे सकता है कि खुदा एक है, न जालिम की गवाही काबिल कबूल है न जाहिल की गवाही काबिल कबूल है। इसलिए कि ओहदे जलीले क़ियादत व हिदायत के लिए तो वाज़ह कर दिया गया कुरान मजीद में कि जब इब्राहिम से कहा कि इन्नी जाइलो का लिन्नास इमामा, قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين, जब उनको वो ओहदे जलीला सरफराज हुआ तो इब्राहिम ने अर्ज किया क्या ये मेरी जुरियत में भी है, तो कहा जालिम को ये अहद नहीं देंगे। तो क़ियादत हिदायत में वो भी जालिम के लिए नहीं है, और इसीलिए नहीं है कि जालिम ला इलाहा इल्लल्लाह पर गवाह नहीं बन सकता है, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। जबान से हजार मर्तबा कहले, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर फितरत में जुल्म है। फितरत में अगर जुल्म है तो याद रखो कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, खुदावंद अली आला जालिमीन को पसंद नहीं करता। वह इन्नल्लाह ला यत्तखिज़ु जाहिलन वलिया, न खुदा जाहिल को वली बनाता है, न जालिम की गवाही कबूल है न जाहिल को वली बनाता है। अब अगर कोई जाहिल आप समझें कि वो जाहिल है मगर ये कि पहुंचा हुआ है, तो ये फिक्र आपकी होगी, ये फिक्र कुरानी नहीं है, ये फिक्र शरई नहीं है, ये फिक्र आपकी होगी कि उसको छोड़ो जाहिल है मगर ये कि जज्ब के आलम में है। यही फिक्र बढ़ते बढ़ते जब नबुव्वत तक पहुंची तो वहां भी दुनिया ने यही कहा कि नबी खाकम बदहन, मैं कैसे अपनी जबान से कहूं, बहरहाल कहा कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था,
मगर नबी हो गए, मगर नबी हो गए। तो वो उसी लिए कहा था ताकि ये सफा बराबर रहे। आपने देखा, वरना जिसको मालिक को मुख्तार बनाए, जिसके हलाल को कयामत तक हलाल और जिसके हराम को कयामत तक हराम रखे, जिसकी तारीफ की गई कि वो है जो युहिल्लु लहुमुत तैयबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जो तुम पर तैयब चीजों को हलाल करार देता है, जो तुम्हारे लिए खबीस चीजों को हराम करार देता है, जिसकी तारीफ ये की गई, माताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरह हशर, के जो लाए रसूल ले लो, जिससे रसूल मना करे रुक जाओ, जिसकी तारीफ ये हुई, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मलाओ यजदूफी अनफुसहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, तेरे रब की कसम वो साहेब ईमान नहीं है जब तक अपने झगड़ों में तुझको हकम न बनाए। तो जो कजावत करे, जो फैसले करे, जो अहकाम नाफिज करे, जो कानून इलाही लाए, जिसके कल्ब पर वही आए, व नुज़िल बिही नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्ब नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्ब, के दिल पर रूह अमीन नाजिल होते हैं। तो आप ये आसानी से कह सकते थे कि उसको किसी दुनिया वाले ने नहीं पढ़ाया था, आप ये आसानी से कह सकते थे कि उसने किसी दुनिया वाले के सामने जानू या अदब तह नहीं किया था, मगर आप ये क्यों नहीं कहते कि उसको मब्दा फयाज ने इल्म दिया था, आप ये क्यों नहीं कहते कि उसको आलिम हकीकी ने नूर के साथ इल्म अता किया था। वो अक्ल अव्वल भी हो, वो सुबह अव्वल भी हो, वो नूर अव्वल भी हो, वो साजदीन की पेशानी में भी हो, वो सजदा करने वालों के साथ भी मुंतकिल हो, और कयामत तक उसका नाम अल्लाह के नाम के साथ जाए और दुनिया ये समझे कि वो कुछ भी नहीं जानता था, तो ये वो गलती है कि जिस गलती को दूर करने की जरूरत है। उम्मी के माना अगर ये लेते हैं कि उसको किसी ने नहीं पढ़ाया नहीं लिखाया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसको जरूरत न थी कि कोई पढ़ाए कोई लिखाए, मगर ये क्यों नहीं कहते कि देने वाले ने इल्म दिया था इसलिए ताकि वो शहीद रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा गवाही देता है कि वो एक है, मलाइका गवाही देते हैं कि वो एक है, और साहिबान इल्म जो अदल पर कायम है वो गवाही देते हैं कि खुदा एक है। ये जरूरी है कि शहादत तौहीद के लिए कोई इंसान अदल पर रहे, शहादत तौहीद इलाही के लिए ये जरूरी है कि कोई इंसान आदल पर कयाम करे, वबिल आदल कामत समावात वल अर्ज, आदल ही से जमीन व आसमान कायम है। और कतमी मर्तबत का ये इरशाद कयामत तक याद रखने के काबिल है, इरशाद फरमाया, अल मुल्क यबका मअल कुफ्र वला यबका मअल ज़ुल्म, मुल्क कुफर के साथ तो रह सकता है मगर जुल्म के साथ नहीं रह सकता, जुल्म के साथ नहीं रह सकता। बकाए मुल्क कुफर के साथ मुमकिन है, जुल्म के साथ मुमकिन नहीं है। तो जुल्म के माना ही ये है
कि इंसान अपने हुदूद को तोड़ दे, और जो अपने हुदूद को तोड़ता है वो सरताबी करता है, और सरताबी वही करता है जो ये जाने कि मेरा कोई देखने वाला नहीं, मुझ पर कोई निगरान नहीं, मेरा कोई पुरसिश अहवाल करने वाला नहीं। आदिल वो है जो हर आन जाने कि कोई हाजिर और नाजिर है, कोई देख रहा है, कोई निगरान है, कोई किसी के हुजूर में मैं हूं। इसलिए मलाइका जानते हैं उस हुजूर को, साहिबान इल्म आदिल जानते हैं उस हुजूर को, इसलिए सरताबी मुमकिन नहीं। वो गवाही देते हैं कि खुदा एक है। तो अब आपने देखा मुसलसल जो गुफ्तगू हो रही थी वो यही है कि उस एक वाहिद अहद फर्द समद लम यलिद वलम यूलद, वो कि जिसकी उलूहियत, जिसकी जब्बारियत, जिसकी कहारियत, जिसकी हर एक हालत और कैफियत के जो हुदूद से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हो, जो क़ुयूद से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हो, वो यकीनन तौहीद है। और तौहीद का तसव्वुर ही ये है कि जहां हद न हो, जहां कैद न हो, जहां लिमिटेशंस न हो। तौहीद का तसव्वुर ये है जहां माहियत जहन में न आए, हर शय के लिए माहियत है, इसलिए कि उस शय की एक हद है। मगर जहां माहियत नहीं वहां हद नहीं, हू है वहां हद नहीं, हू है। इसलिए कहा ला इलाहा इल्लाहु, वो हू है अल अजीज अल हकीम, वो गालिब है, हकीम है। तो वो एक है, वो एक है। अगर मेरी बहस मुसलसल जहन में है और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं कहता हूं कायनात का जर्रा जर्रा उसी तौहीद पर गवाह है, उसी तौहीद पर गवाह है। मगर सवाल यह है कि शैतान मुवहिद था कि नहीं था। शैतान मुवहिद था कि नहीं था, खुदा को एक मानता था कि नहीं मानता था। रोजे खिलकत आदम शैतान मुवहिद था या मुशरिक था? कभी तो गौर कीजिए, बरसों सदियों हजारों बरस पहले आदम से बना है, सजदे पर सजदे किए हैं वाहिद कय्यूम लम यज़ल ला यज़ाल को। मगर इस अकीदे के बाद कि वो एक है और वही सजदे के काबिल है, कोई और नहीं, क्या बात हो गई कि हुक्म फखरुज मिनहा इन्नका रजीम इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। जाओ यहां से जाओ, तुम रांदे बारगाह हो, तुम पे लानत है हमारी यौमिद्दीन तक। उसने कहा फंजुनी इला यौम युबासून, कयामत तक मोहलत तो दे दे। कहा इन्नका मिनल मुंजरीन इला यौमिल वक्तिल मालूम, मोहलत भी दे दी, जा मोहलत भी दे दी। रजीम है, रजीम है, लानती है। कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक रांदे दरगाह है, रहमत इलाही से दूर है, मगर मोहलत याफ्ता है। आप समझते हैं मोहलत को? अब आप समझ गए, यानी किसी को मोहलत मिले तो वो रहमत न समझे।
को मोहलत मिले तो वो ये ना समझे कि रहमत इलाही ने घेर लिया है। सबसे बड़ी मोहलत तो उसने पाई कि जिसकी तौहीद में तो शक नहीं है, एक मानता था और ऐसा एक कि उसको सजदे किए, लाखों बरस सजदे किए बकौल मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक के, मगर जहां मारा गया वह एक हुक्म यह हुआ कि सजदे तो अब तक हुए, अब समतर सजदा को भी देख। सजदा को भी देख, रुख सजदा को भी देख, किबला नुमा को भी देख। मनाफिया तौहीद नहीं था वो हुक्म, आदम को सजदा कर मनाफिया तौहीद नहीं था, फकत रुख कल मुअय्यन करना था, सिमत का मुअय्यन करना था कि इस सिमत का सजदा होगा। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से इस पैगाम को याद रखने की कोशिश कीजिए कि जिस दिन सिमत का तायुन हुआ, जिस दिन यह तय हुआ कि आज से रुख सजदा ये है, तो एक को एक मानने वाला मुवाहिद जिसने हजारों साल सजदे किए थे उसको निकाल दिया गया इस बिना पर कि सजदा तो तेरी ही जात को ज़ेबा है, इधर क्यों? इधर क्यों? और वहां जात वाजिब इम्तिहान कायनात पर तुली हुई कि अब देखें हमको एक मानने वाले हमारे हुक्म को भी मानते हैं कि नहीं। एक मानना आसान है, हुक्म को मानना मुश्किल है, और हुक्म को वही माने जो इल्म के साथ अदल पर हो, इल्म के साथ अदल पर हो। तो क्या आपके नजदीक गलती है उस कदीम मुवाहिद की, उस कदीम मुवाहिद की क्या गलती है जिसने बरसों सदियों हजारों साल अल्लाह को एक मान, और जब एक मरतबा आवाज आई कि इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन फैजा सवैतहु व नफखतु फीहि मिन रूही फकऊ लहू साजिदीन, तो फकाउ जमा का सेगा था, जमा का सेगा था, मलाइका तौहीद इलाही के गवाह थे और मलाइका ने फौरन सजदा किया, इसलिए जो एक माने वो हुक्म को भी माने। इल्ला इबलीस, मगर इबलीस यानी जो हुक्म न माने वो इबलीस। ये कुरान है, ये हमारा लफ्ज नहीं है दिया हुआ, आपकी हमारी इस्तेलाह नहीं है। जिसने इनकार किया सजदे का वो इबलीस, इसलिए उसको एक जानना और है,
उसके हुक्म का मानना और है और यहीं पहचाना जाता है इसी मंजिल पर कि तस्लीम कहाँ है और इबलीसियत कहाँ है। तो इरशाद हुआ जाओ यहां से जाओ यहां से जाओ। तो उसने कहा मोहलत तो मिल गई मोहलत तो मिल गई कुछ इख्तियार भी दे दे। कहा खालिक हम हैं मालिक व मुख्तार हम हैं बंदों को अकल की दौलत भी दी है फिर नबी पे नबी भेजेंगे हादी पे हादी आएंगे रसूल पर रसूल आएंगे इख्तियार मांगता है जा शरीक हो जा इनके अम्वाल व औलाद में शरीक हो जा इनके अम्वाल व औलाद में इनके रिजल व खैल में इनके पियादों में इनके लश्करों में शरीक हो जा और जिस तरह से चाहे बहका दे। तो उसने कहा नहीं अब जब इख्तियार मिला तो किसी गोशे में किसी कोने में किसी गांव में किसी करिए में नहीं बैठूंगा बल्कि लहुम सिरात अकल मुस्तकीम तेरे सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा लअक़ुदन लहुम सिरात अकल मुस्तकीम तेरे सीधे रास्ते पर जाके बैठूंगा इनको बहकाने के लिए वलआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम कभी सामने से हमला करूंगा कभी पीछे से हमला करूंगा कभी दाहने जानिब से हमला करूंगा कभी बाएं जानिब से हमला करूंगा। वला तजिदू अक्सर हम शाकिरीन यहां तक के तू इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो उधर से यह जवाब नहीं मिला अरे मेरी अक्सरियत को ले जाएगा अरे मेरी अक्सरियत को ले जाएगा फिर मुझे कौन पूछेगा। कहा नहीं ले जा इसलिए कि कलील मिन इबादी शुकूर बहुत कम बंदे मेरे शुक्रगुजार हैं। कलील मिन इबादी शुकूर बहुत कम बंदे मेरे शुक्रगुजार होंगे वही काफी है ले जा अक्सरियत को भी ले जा। ला तजिदू अक्सर हम शाकिरून इनकी अक्सरियत को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो बैठूंगा सिरात मुस्तकीम पर और उस सिरात मुस्तकीम पर जहां पांच वक्त तेरे मानने वाले कहते रहेंगे एहदना सिरात मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। तो वहां वो भी बैठा हुआ है वहां वो भी बैठा हुआ है कैसे गुजरोगे कैसे गुजरोगे लड़ाई छनी हुई है बड़ी ताकत से अजली दुश्मन है तुम्हारे आबाओ अजदाद का दुश्मन है अबुल बशर का दुश्मन है। सिरात मुस्तकीम पर बैठा हुआ है लअक़ुदन लहुम सिरातक अल-मुस्तकीम रास्ते पर बैठ गया ऐसा मालूम हुआ जैसा कोई कर्ज का वसूल करने वाला रास्ते पर बैठे हुए इस इंतजार में अब तो आएगा और चाहता यह है कि बहका ले जाए बहका। तैयारी आपके पास क्या है
आपके पास क्या है? तौहीद हमारा सरमाया। मगर हुक्म की भी तो तामील हो, हुक्म की भी तो तामील हो, वरना तौहीद तौहीद हक हक और हु हु के नारे बगैर अमल, बगैर अमल एक आने वाहिद में इस दायरे से कहीं उस दायरे में न पहुंचा दें। आप समझ रहे, इस दायरे से कहीं उस दायरे में न पहुंचा दें। बशरियत से शैतानत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से हमने एक दुश्मन जान को पाया जो इतना करीब है, इतना करीब है कि नफस के साथ है, रूह के साथ है, रगों में दौड़ा लहू बन के, मगर इतना अकीदा शैतान पर रखने वाले कि इतनी नजदीक से बहका रहा है। अरे उसको भी तो ढूंढे कोई इतना नजदीक हो जो हिदायत करे। कोई इतना नजदीक हो जो हिदायत करे। इसलिए हम इस मंजिल पर पहुंचकर उसके हुक्म को देखते हैं, उसके हुक्म को देखते हैं। दुनिया कहती है अरे तौहीद तौहीद करते हो, यह कब्र परस्ती क्यों, यह कब्र परस्ती क्यों, यह शिर्क है। खुदा गवाह है कि कब्र परस्ती शिर्क है। खुदा कय्यूम लम यज़ल वला यज़ाल गवाह है कि कब्र परस्ती शिर्क है। मगर तन्हा कब्र परस्ती क्यों, जर परस्ती भी शिर्क है, जाह परस्ती भी शिर्क है, इख्तदार परस्ती भी शिर्क है। परस्ती के साथ जितनी तरकीबों के अल्फाज मिले सब शिर्क। अगर परस्ती के यही माना है कि परस्तिश हो रही है, तो जर परस्ती, हवस परस्ती, नफ्स परस्ती, जा परस्ती, वक्त परस्ती, मसलहत परस्ती, इख्तदार परस्ती, कुव्वत परस्ती, क्या यह तौहीद है? यानी सबको लाके मार दिया कब्र की हद तक, सबके रुख फेर दिए कब्र की हद तक। तो इसको भी मैं मान रहा हूं, अगर जर परस्ती भी कब्र परस्ती है, अगर हवस परस्ती भी कब्र परस्ती है, जाहिर है ये कब्र परस्ती है ये कब्र। मगर मैं एक आयत पढ़ूं और आज की तकरीर खत्म करूं। आले इमरान, वो जिसने इबलीस का हुक्म दिया था कि सजदा कर, उसने जलाल के आलम में कहा सूरह आले इमरान में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। इस आयत के जलाल को देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। नहीं है मोहम्मद मगर रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर रसूल। उसके माना यह
कि तौहीद से रिसालत को अलग करके जितनी अहमियत तौहीद को देनी थी उसके बराबर बराबर अहमियत उस बंदे को दे दी कि जहां नफी से शुरू करके इस बात तक पहुंचा है। नहीं है मोहम्मद मगर रसूल। भाई अब जरा कब्र परस्ती को देखिए, अफ़ाइम्मा ताऊ कुतिल, अगर ये मर जाए या कत्ल कर दिया जाए, अफ़ाइम्मा ताऊ कुतिल इनकलबतुम अला आकाबेकुम, तो तुम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर वापस बदल कर मुनकलिब होकर पलट कर चले जाओगे, मर जाए या कत्ल हो जाए तो तुम चले जाओगे। तो क्या करें या अल्लाह, अरे वो तो मर गया ना, वो तो मर गया। अफ़ाइम्माताउ कुतिल आले इमरान इनकलबतुम अला आकाबेकुम, अगर ये मोहम्मद मर जाए या कत्ल हो जाए तो तुम राह बदल दोगे, तुम अपनी पिछली एड़ियों पर वापस जाओगे। आकाब, ये उर्दू उसकी सही तर्जुमा उसका, आकाब व मन यनकलब अला अकबे, और जो इस तरह से रास्ता बदल के वापस जाए, लन यदुर अल्लाह शैया, अल्लाह का नुकसान नहीं करेगा। देखिए किस मंजिल पर और मैं कहां से कहां रब दे रहा हूं। उसने कहा कि उदन न लहुम सिरात कल मुस्तकीम, तेरे सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा, लातियन नहुम मिन बैन अईदीहिम व मिन खल्फिहिम व नईमानिहिम व शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनकी अक्सरियत को तू शुक्र गुजार नहीं पाएगा। इतना बहकाऊंगा, इतना बहकाऊंगा कि इसकी अक्सरियत का पता नहीं चलेगा। कहा जा जा, डराता किसको, जा ले जा तेरी अक्सरियत को। और यहां इरशाद हुआ, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल, उससे पहले भी रसूल गुजरे हैं, मगर उन रसूलों के लिए नहीं कहा था ये कि वो मर जाए या कत्ल हो जाए तो तुम उसी मरकज पर रहो। नहीं, ये एक है ऐसा, ये एक ऐसा कि अफ़ाइम माताओ कुतिल इन कलब तुम अला काबेकुम, अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए तो तुम वापस जाओगे, उसी राह पर वापस जाओगे। वो मन यन खलिफ अल्लाह भाई फलन यजुर अल्लाह शैया, और जो वापस जाए वो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। व सयजिल्लाहु शाकिरीन, और खुदा शुक्रगुजार बंदों को बदला देगा, जो वापस न जाए वो शुक्रगुजार बंदा, जो वापस न जाए वो शुक्रगुजार बंदा, और जो वापस चले जाए वो ना शुक्रे। तो ऐसी मंजिल पर पैगंबर की जिंदगी का जिक्र नहीं है। मेरी गुफ्तगू वही, पैगंबर की जिंदगी का जिक्र नहीं है, कब्र परस्ती का जिक्र है। अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए तो खबरदार वापस न जाना। अफ़ाइम्मा ताउ कुतिल इनकलबतुम अला आकाबेकुम, अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए तो तुम वापस चले जाओगे, और जो वापस जाएगा वो अल्लाह का नुकसान नहीं करेगा, और अल्लाह शुक्रगुजार बंदों को सिला देगा। तो पैगंबर की जिंदगी के मुतालिक गुफ्तगू नहीं है, हिदायत हो रही है मरने के बाद कि देखो दामन हाथ से न छूटे अगरचे वो मर जाए। भाई बहुत, दामन हाथ से न छूटे
अगर चे वो मर जाए उसके अहकाम की मुखालफत न हो, अगर चे वो मर जाए उसकी राह से मुंह न मोड़ो, अगर चे वो मर जाए जिसको वो दोस्त रखे उसको दोस्त रखो, अगर चे वो मर जाए जिसको वो दुश्मन रखे उसको दुश्मन रखो, अगर चे वो मर जाए। ते बयान को आपने समझा कि क्यों महदूद किया है कब्र परस्ती की हद तक। जाहिर है कि परस्तीदन गैरे ऊ, उसके अलावा हर एक की परस्तिश शिर्क। और अगर कोई कब्र के पास जाए ये कहते हुए खुदा तू है, ये कहते हुए कि तूने मुझे बनाया, ये कहते हुए कि हमारे अहवाल ये हैं, तो यकीनन आप तन्हा नहीं है। हमारी भी आवाज यही है कि शिर्क है, मगर इबादत को एहतराम से तो अलग करो। इबादत की तारीफ करो, एहतराम की तारीफ करो। तौहीद पर जो किताबें आज बाजार में हैं, पहला चैप्टर उसका यूं ही जा रहा है कि कब्र परस्ती शिर्क है। मैं पूछता हूं क्या कब्र पे जाना शिर्क है? क्या फातिहा पढ़ना शिर्क है? और अगर ये है तो इस कराची की सरजमीन में हर आने वाला जिम्मेदार सैया हुकूमत की तरफ से रहबरी होती है कि पहले उधर चलिए जिसने बनाया है। इबादत नहीं, एहतराम और इबादत में फर्क कीजिए। एहतराम इबादत नहीं है, एहतराम परस्तिश नहीं है। बेटा बाप का एहतराम करे, शागिर्द उस्ताद का एहतराम करे, महकूम हाकिम का एहतराम करे, छोटा बड़े का एहतराम, जवान जईब का एहतराम करे। एहतराम में आंखें झुक जाए, सर कम हो जाए, गर्दन में कजी आए, और अगर दौड़ के कोई किसी के कदम से लिपट जाए तो सजदा नहीं है। अब आपने समझा। बहरहाल ये गुफ्तगू बड़ी अहम है। देखिए आज तशना न रहे आप। उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, सजदा नहीं करूंगा, तो वो इसी बात पे अड़ गया था ना कि जिसको आदत हो तुझे सजदा करने की, वो तेरे गैर को क्यों सजदा करे। मगर उसने ये ख्याल नहीं किया कि वह हकीकत सजदा नहीं बदली, फकत संत सजदा को बदल दिया। रो
रुख सजदा को बदल दिया, बताया कि आप क़िबला नुमा बना है, अब रुख ये है हयात का। तवज्जो इधर रहे, वो आदम या खातम, और इसके मुतालिक वह मार सलना का इल्ला रहमतन लिलआलमीन। नहीं भेजा तुझको मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर, आलमीन के लिए रहमत बनाकर। 23 बरस की जिंदगी को आलमीन के लिए कोई रहमत कहता है? 23 बरस की जिंदगी को नबूवत की आलमीन के लिए कोई रहमत समझता है? आलमीन का स्टैंड क्या है? आलमीन की वसात क्या है? कितने करोड़ बरस हो चुके, कितने करोड़ बरस बाकी हैं कुर्राहे कायनात में, लेकिन अगर ये कुरान है तो आलमीन के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। तो इसको शिर्क न जानो, अगर अपने को रब्बुल आलमीन कहकर अपने बंदे को रहमतुल लिल आलमीन कहे तो शिर्क नहीं, वो जिसको जो चाहे दे दे। बहरहाल ये फिक्र रहे, हम आगे बढ़ेंगे। खत्मी मर्तबत एहतराम चाहते हैं, खत्मी मर्तबत का एहतराम लाजिम है, उनके अहकाम की तामील लाजिम है, उनके अहकाम से रूगर्दानी अल्लाह से रूगर्दानी है। मैं युते रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत, और उसके बाद वह मैं युशाकिर रसूल, और जो रसूल से बिगड़ के चले मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायतों के आने के बाद वो यत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, और साहिबान ईमान के रास्ते से अगर हट जाए, नुवल्लेही मा तवल्ला, जिधर मुंह मोड़ के जाता है हम भी जाने देते हैं कि जाओ जाओ, यहां तक के नुसले ही जहन्नम जहन्नम तक पहुंचा देते हैं। बस सात मसीरा, क्या बुरा मकाम है, करोड़ों करोड़ों जहन्नम में जाए तो खुदा की खुदाई में क्या फर्क आएगा? तो एहतराम में खत्मी मर्तबत, एहतराम में खत्मी मर्तबत इबादत नहीं है, इबादत नहीं है। इस जुमले पे खत्म करो ताकि यहीं से कल गुफ्तगू शुरू हो। एहतराम कतमी मरतबा चाहिए, इसलिए कि इख्तियार कुल लेकर आ रहा है, इख्तियार कुल लेकर आ रहा है, मुख्तार कुल बनकर आ रहा है, और वो इख्तियार के शहीद उम्मत है, उम्मत पर गवाह है, उम्मत के आमाल पर गवाह है। ये एहतराम जब दिल से उठ गया, ये एहतराम जब दिल से उठ गया, तो फिर ये भी एहतराम उठ गया कि ये घर किसका है, फिर ये भी एहतराम उठ गया कि इस घर की क्या इज्जत है, फिर ये भी एहतराम खत्म हुआ कि मुबाहले वाले कौन हैं, फिर ये भी एहतराम खत्म हुआ कि चादर तथीर के रहने वाले कौन हैं, नहीं फिर यहां तक एहतराम कम हुआ कि एक नबी की सूरत थी, नबी की शक्ल थी, सरतापा नबी थे। तारीख आप पढ़ें, इत्तेफाक यह है कि तारीख आदम आलम में तीन हस्तियां ऐसी हैं जो एक दूसरे की शबाहत रखती थीं। खत्मी मर्तबत हसन इब्ने अली, अली अकबर,
हसन इब्ने अली बड़ा नवाजा नाना के मुशाबे था, अली अकबर अपने जद के मुशाबे थे, चुनाचे इनको शबीह रसूल कहते हैं, हम शक्ल रसूल कहते हैं। मुहर्रम की पांचवीं तारीख बनी हाशिम से जब आगाज होगा तो पहले शहीद अव्वल की गुफ्तगू हो, कतील अव्वल की गुफ्तगू हो। बेटे की सूरत देखी, लश्कर को देखा, सारे अजीजों को देखा, सब्र हुसैनी मकाम वफा में कामयाब और कामरान हो रहा था। एक मरतबा कहा, तकदम वलदी, बेटा चलो आगे, चलो चलो आगे। सब के सब कांप उठे। हुक्म इमाम था, यानी मतलब ये कि अगर मैं नाना का नुमाइंदा हूं तो ये मेरा नुमाइंदा है, अगर मेरे नाना पे कोई वक्त आता तो सबसे पहले मैं जान दे देता, इसलिए अब मुझ पर वक्त आया है तो मेरा बेटा सबसे पहले जान दे। खुशी में झूम कर बेटे ने बाप के कदमों पर सर को रखा, सर को उठा के पेशानी का बोसा लिया, कहा अली अकबर मैंने तो इजाजत दे दी, अब जरा मां से इजाजत ले। अली अकबर मां की खिदमत में आए, सलाम किया, मां के कदमों पर सर रख दिया। उम्मे लैला ने कहा, मेरे लाल मैं समझ गई, तुम मुझे समझाओ नहीं। कहा नहीं अम्मा, समझाना नहीं है, आप फातिमा की बहू हैं, आपको क्या समझाऊं। मगर अम्मा कयामत के दिन अगर मेरी दादी पूछे कि उम्मे लैला मेरे बेटे पे इतना वक्त आ गया था तो तूने अपने बच्चे की जान क्यों अजीज की, तो अम्मा क्या जवाब दोगी। एक मर्तबा का जाओ मेरे लाल, जाओ जाओ अल्लाह के हवाले। अली अकबर जाओ, खुशी 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 मान लिपट कर कदमों पर सर रखकर बाहर आए। बड़े खुश थे, बड़ा डर भी था, बड़े खुश थे। बाप ने देखा जवान बेटा मुस्कुरा रहा है, कह क्यों मेरे लाल। कहा अम्मा ने इजाजत दे दी, अम्मा ने इजाजत दे दी। मगर हुसैन चुप थे, हुसैन चुप थे। बेटे ने कहा बाबा आप अफसुरदा क्यों हैं। कहा मेरे लाल माँ ने नहीं पाला था, माँ ने नहीं पाला था अली अकबर, फूफी ने पाला था। कहा बाबा फिर क्या होगा, बाबा फिर क्या होगा, मैं तो नहीं जा सकता फूफी के सामने। कहा मेरे लाल मैं जानता हूँ तुमको इजाजत नहीं मिलेगी। एक मर्तबा जलाल के आलम में बेटे का हाथ थामा, खेमे का पर्दा उठाया, खेमे में शहजादी ज़ैनब के गए, बहन ने भाई को देखा, भाई ने बहन को देखा, और बेख्तियार जनाब ज़ैनब ने कहा अली अकबर मैं समझ गई, मैं समझ गई तुम अपने लिए सिफारिश लाए हो। हुसैन इब्ने अली ने कहा बहन सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात, और वो ये कि जब से माँ का इंतकाल हुआ था तुम मेरे लिए मेरी वालिदा गिरामी की जगह थी, तुमने जो हुक्म दिया मैंने माना, मैं बड़ा भाई था। आज हुसैन की एक ख्वाहिश मान लो, आज हुसैन की एक बात मान लो। अर्ज किया क्या है, कहा यही कि अब अली अकबर को ना रोको।